वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमन सिंह लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस SOH। आइए हम आपको सूचना स्रोत के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें प्राथमिक स्रोत हैं, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड द टेरिटरी। सूचना स्रोत का उद्देश्य क्या है? इसके कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सूचना सेवाओं में सूचना स्रोत की उपयोगिता, सूचना स्रोत की विभिन्न श्रेणियाँ और प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक स्रोतों की विशेषताओं और उद्देश्य। आधुनिक युग में सूचना की त्वरित उपलब्धि के लिए सूचना स्रोत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। सूचना स्रोतों इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को संदर्भ ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। संदर्भ ग्रंथ किसी विषय का स्पष्टीकरण करने में सहायक बिंदु होता है। सूचना स्रोतों की कई विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कि लुईस सोर्स के अनुसार जिसे विशेष सूचना प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में संदर्भ ग्रंथों का उपयोग सीमित होता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स में संदर्भ ग्रंथ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि निश्चित विषयों की जानकारी हेतु इसकी रचना विशिष्ट संयोजन पद्धति के द्वारा की जाती है। इसका अध्ययन निरंतर कदाचित ही किया जाता है और इसका प्रयोग पुस्तकालय के अंदर सीमित रहता है। सूचना स्रोतों की आवश्यकता, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। हमें सूचना स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ी ही? आज के युग में सूचना का महत्व इस प्रकार बढ़ गया है कि सूचना न केवल साधन बल्कि वस्तु का रूप ग्रहण कर गई है। कौन सी सूचना एकत्र करना है, कैसे एकत्र करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका उपयोग किस प्रकार से करना है आदि बातें कुछ ऐसी हैं जिनके कारण संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता बढ़ गई है। पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के पाठकों को संदर्भ सूचना स्रोत दी जाती है, जैसे कि विद्यार्थी, अध्यापक, वैज्ञानिक, शिल्पकार, योजनाकार, नीतिकार आदि की सूचना आवश्यकताओं में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि वे जटिल भी होती जा रही हैं। पाठकों को अन्य सूचना की आवश्यकता भी होती है जो निम्नलिखित है, जैसे कि किसी विशेष विषय पर और नवीनतम सूचना प्राप्त करने में मुश्किल आना, किसी विशिष्ट क्षेत्र में तुरंत सूचना प्राप्त करना, सूचना सामग्री की वृद्धि से उपयुक्त सूचना का चयन करना। सूचना स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। सूचना स्रोतों को दो विस्तृत भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रालेखीय स्रोत डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज, अप्रालेखीय स्रोत अनपब्लिश सोर्सेज। सूचना स्रोत इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जिनमें कि प्रालेखीय स्रोत में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोत आते हैं। अप्रालेखीय स्रोत में औपचारिक, अनौपचारिक स्रोत आते हैं। अप्रलेखीय और अनौपचारिक स्रोतों के मुख्य बिंदु हैं अनुसंधान केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सरकारी विभाग, निजी एवं सार्वजनिक उद्योग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, परामर्श केंद्र, विशेषज्ञों के संवाद, वाद विवाद, तर्क वितर्क, व्यावसायिक, सामाजिक एवं सम्मेलन में प्रतिभागिता, नुक्कड़ सभाएं, आकस्मिक वार्तालाप। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको कि हम इस प्रकार जान सकेंगे। प्राथमिक स्रोत मौलिक एवं सार्वधिक विश्वसनीय सूचना के स्रोत हैं। ये मौलिक अनुसंधान एवं विकास के प्रथम प्रकाशित अभिलेख हैं। इनमें प्रकाशित सूचना पूर्णतः नवीन होती है। प्राथमिक स्रोत किसी भी पत्रिका में निहित लेख होते हैं, जैसे कि शोध पुस्तिका, रिसर्च मोनोग्राफ, लघु शोध प्रबंध, डिजर्टेशन थीसिस, शोध प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट, नवीन विचार, न्यू थॉट्स। प्राथमिक स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। पुस्तक, बुक्स, पत्रिकाएं, मैगजीन, सूचना पत्र, गजट, इंफॉर्मेशन लेटर, गजट्स, बुलेटिन, कार्यवाहियाँ, प्रोसीडिंग, क्रियाकलाप, ट्रांजेक्शंस, सामाजिक संस्थाएं, इनका प्रकाशन और पब्लिकेशन भी होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन,
अनुसंधान केंद्रों, रिसर्च सेंटर्स, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, परीक्षण केंद्रों, सरकारी अभिकर्ताओं आदि के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान कार्य हेतु मुख्यतः विद्वान और तकनीकी क्षेत्र में ये प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पत्रिकाओं में अधिकांश नवीन अनुसंधानों के परिणाम और अद्यतन सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। पत्रिकाओं में निहित कुछ सम्मेलन पत्र, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, शासन संस्था समिति और सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं, शोध संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित सामग्री संदर्भ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शोध पुस्तिकाएं, रिसर्च मोनोग्राफ, इनमें प्राथमिक सूचनाएं नवीन, मौलिक तथा पूर्व में अप्रकाशित होती हैं। शोध के परिणाम विस्तृत होते हैं। इस प्रकार के मौलिक अनुसंधानों के परिणाम शोध पुस्तिकाओं के मुख्य रूप से प्रकाशित होते हैं। अगला है प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार की शोध परियोजनाओं का विवरण शोध प्रतिवेदन के रूप में उपलब्ध होता है। ये प्रतिवेदन विभिन्न शोध संस्थाओं और सरकारी विभागों द्वारा समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। ये शोध और विकास परियोजनाओं के प्रतिवेदन हैं जो प्रायः अप्रकाशित ही रहते हैं। इनकी सहायता से शोध की प्रगति के संबंध में नवीनतम सूचना प्राप्त होती है। एक पेटेंट, नवीन अन्वेषणों हेतु सरकार से एक स्वाधिकार प्राप्त किए जाते हैं। शासन और अन्वेषक के बीच समझौतों का प्रमाण पत्र एकस्व कहलाता है। अन्वेषक को किसी आविष्कार, निर्माण प्रक्रिया, मशीन रचना, उत्पादन आदि को बनाने, बेचने या उसका उपयोग करने हेतु एक निश्चित अवधि तक एकाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह सरकारी प्रलेख होता है, इस पर सरकारी मुहर लगी रहती है। मानक स्टैंडर्ड्स, औद्योगिक और निर्माण प्रक्रियाओं में मानक अत्यंत अनिवार्य है। विविध वस्तुओं, सामग्री और क्रियाकलापों में एकरूपता बनाए रखने तथा इसकी उपयोगिता को बढ़ाने हेतु विशेषताओं के आधार पर मानक स्तर तय किए जाते हैं। भारतीय मानक प्रतिवर्ष 300 मानक पंजीकृत करता है एवं उन्हें प्रकाशित करता है। मानक की सहायता से गुणात्मक उत्पादन सुविधापूर्वक प्राप्त होते हैं। शोध प्रबंध एवं लघु प्रबंध, थीसिस एंड डिसर्टेशन, शोध संस्थाओं द्वारा तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनेक शोधार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में शोध कार्य करते हैं। इस प्रकार की शोध की परिणाम अधिकांश अप्रकाशित ही रहते हैं, अतः इन्हें भी सूचना का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट्स, कई सामाजिक संस्थाएं, संघ, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा अपने विशिष्ट कार्यों की प्रगति की सूचना वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित की जाती है। शासकीय प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और शासकीय प्रशासनों में शासन की नीतियां, निर्णय, विधान संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य और अन्य गतिविधियों और प्रगतियों को प्रकाशित किया जाता है। शासकीय प्रकाशन क्रमिक और इनके सांकेतांक होते हैं। इनके द्वारा जनसंख्या, शिक्षा, समाज कल्याण और उद्योग, व्यापार एवं अन्य सामाजिक आर्थिक समझौतों के सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। विभिन्न नियम और कानून, नागरिक अधिकारों की सीमा, ट्रेड यूनियन के अधिकार जैसे अनेक विषयों पर सूचना प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। व्यापार सहित गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, नए उत्पादों की जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यापार साहित्य अत्यंत उपयोगी होते हैं और यह संबंधित सूचना प्राप्त करने का यह एकमात्र प्राथमिक स्रोत है। वितरक, निर्माता अथवा व्यापारिक संस्थाएं व्यापारिक साहित्य को प्रकाशित करती हैं और विज्ञापन के रूप में विक्रेता और उपयोगकर्ताओं को वितरित करता है। अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश सोर्सेज, इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे प्रयोगशाला, निर्देश, पुस्तिका, स्मरण पत्र और ज्ञापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र, कंपनी के कागजात व महत्वपूर्ण दस्तावेज, सरकारी
शासकीय एवं राजकीय प्रपत्र, शिलालेख, चित्रावली, सिक्के, जीवित व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक वृतांत, संस्मरण, व्यक्तिगत साक्षात्कार आदि को रखा जाता है। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। द्वितीयक स्रोत तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जॉन मेज के अनुसार द्वितीयक स्रोत का निर्माण कहीं सुनी बातें एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। द्वितीयक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर वन, व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट। दूसरा, सार्वजनिक, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। द्वितीयक स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस। सामान्यतः द्वितीयक स्रोत निम्नांकित रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पत्रिकाएं, पीरियडिकल, अनुक्रमणिका, इंडेक्सेस, वार्ड में सूचियां, बिब्लियोग्राफीज, अनुक्रमणिका, पत्रिकाएं, इंडेक्सिंग पीरियडिकल्स, सार पत्रिकाएं, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स, समीक्षा, रिव्यूज, निबंध ग्रंथ, एस्से बुक्स, विनिबंध, मोनोग्राफ, पाठ पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्सेस, संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्सेस, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक, पुस्तिका, मैनुअल, सारणी, टेबल्स, अनुवाद, ट्रांसलेशन। तृतीयक स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रिटरी सोर्सेस। वार्ड में सूचियों को सूची, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, निर्देशिका, डायरेक्टरीज, साहित्य संदर्शिका, लिटरेचर गाइड, शोध प्रगति, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिसर्च करते समय इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि रिसर्च करते समय रिसर्च प्रोजेक्ट को और रिसर्च प्रोग्रेस को हम दर्शाते हैं। विभिन्न स्रोतों के में अंतर संबंध और सूचना स्रोत में प्रभाव। सूचना स्रोतों की निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत एवं अंत में तृतीयक स्रोतों का निर्माण होता है, किंतु सूचना खोज की समानता तृतीयक स्रोतों में आरंभ होती है। द्वितीयक स्रोतों में होती प्राथमिक स्रोतों तथा तक पहुँचती है। द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों में सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध होती है सूचना तथा ये प्रकाशित स्रोतों में बहुआयामी वृद्धि के फलस्वरूप सीधे प्राथमिक स्रोतों से सूचना की खोज कर पाना असंभव है। उपयोगकर्ताओं को अद्यतन जानकारी तथा समय प्रदान करने हेतु द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों का अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। तृतीयक, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को जानते हुए हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि तृतीयक स्रोतों के अंतर्गत संदर्भ ग्रंथ, सुविधा सूचियों की वार्ड में सूचियां, बिब्लियोग्राफीज, सूची साहित्य की मार्गदर्शिकाएं, निर्देशिकाएं, प्राथमिक व द्वितीयक सामयिक आदि तृतीयक स्रोत द्वितीयक स्रोतों में अनुसंधान का सारांश करते हैं। उदाहरण के लिए, पाठक पुस्तकें में और संदर्भ पुस्तिकाओं तृतीयक स्रोत हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्यों है? विभिन्न प्रकार के शोध में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों का अलग अलग तरीकों से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक शोध पत्र के लिए आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के संयोजन की आवश्यकता होती है। प्रलेखीय सूचना स्रोतों के संयोजन की आवश्यकता होती है। प्रलेखीय सूचना स्रोतों की परंपरागत तृतीयक स्रोतों का उपयोग कैसे करें? तृतीयक स्रोतों का उपयोग कैसे करेंगे? अपनी शोध प्रक्रिया के शुरुआती चरण में तृतीयक स्रोतों का उपयोग करेंगे। नंबर वन, पृष्ठभूमि की जानकारी स्थापित करें। प्रासंगिक की वर्ड को और शब्दों को पहचानें। अपने क्षेत्र के वर्तमान बहसों, परिचर्चाओं को समझें। प्रमुख विद्वानों की पहचान करें। यह आगे के स्रोत की नींव रखेगा और आपको सहायक, प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों की ओर निर्देशित करेगा, जिनसे आप लेखन प्रक्रिया के दौरान अधिक विस्तार से जुड़ेंगे। धन्यवाद।